महा कार्टून टीवी। एलियन की दोस्ती। शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव सीतापुर में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन राजू अपने दोस्त विनीता और सनी के साथ गांव के समीप एक प्राचीन खंडर में घूमने गया। खंडर के अंदर प्रवेश करने पर राजू को एक अजीब प्राणी दिखा। यार देखो, एक अजीब प्राणी। हाँ हाँ, देख लिया, वो कोई जानवर लग रहा है। हाँ, मैंने भी देख लिया, चलो हम उसके पास चलते हैं। तीनों उस प्राणी के पास जाते हैं। अरे, ये जानवर नहीं है, ये तो दूसरे ग्रह का प्राणी है, ये एक एलियन है। हाँ, ये सही कह रही है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ये पृथ्वी पर कभी कभी दिखाई देता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एलियन है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे, ये हमारी भाषा नहीं जानता होगा इसलिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे, इसके अंदर दिमाग नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा है कि एलियंस में मनुष्यों से ज्यादा दिमाग होता है। होता होगा, लेकिन इसे देखकर तो हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जो भी हो, बहुत प्यारा लग रहा है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। आप मेरे साथ मेरे घर जाना पसंद करेंगे? ऐसा कर, इसके हाथ पकड़ और अपने साथ ले चल। हाँ, सही कह रहा है। राजू एलियन को अपने घर पर लाता है, तभी उसकी माँ की नजर उस पर पड़ती है। अरे बेटा, ये कौन है, किसे पकड़ कर ले आया तू? माँ, ये दूसरे ग्रह का प्राणी है, इसे एलियन कहते हैं। क्या, दूसरे ग्रह का प्राणी? तो ये पृथ्वी पर कैसे आया? माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये पृथ्वी पर कैसे आया, लेकिन मुझे तो ये प्राचीन खंडर में मिला। मैं तो कहती हूँ तुम इसे वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए हो। नहीं माँ, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, इसे मैं दोस्त बनाऊंगा और आज से इसे गुड्डू कहकर पुकारूंगा। राजू एलियन को अपने घर पर रखने लगता है और एलियन धीरे धीरे उसकी भाषा समझने लगता है। मेरा नाम क्या है? राजू। शाबाश। राजू और उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि तभी किसी के शोर मचाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ये आवाज तालाब की ओर से आ रही है। हाँ, चलते हैं, लगता है कोई मुसीबत में है। राजू, सनी और गुड्डू तालाब पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का तालाब में डूब रहा था। क्या तुम उस लड़के को बचा सकते हो? हाँ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा, उसकी जान बचा लो। गुड्डू तालाब में छलांग लगा देता है और पानी में डूब रहे लड़के को बचा लेता है। शाबाश दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो उसकी जान चली जाती। हाँ, चलो घर चलते हैं। दोनों घर पहुँचते हैं तभी कुछ लुटेरे उसके घर पर हमला कर देते हैं। राजू डरकर घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन गुड्डू उन लुटेरों का सामना करता है। ओ बालक, तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। एक लुटेरा गुड्डू के पास आता है और उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जब गुड्डू एक थप्पड़ लगाता है तो लुटेरा गिर जाता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक लुटेरा अपनी बंदूक से गुड्डू को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये लगता है दूसरे ग्रह का प्राणी है, इस पर तो गोली का असर भी नहीं हो पा रहा है। जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तभी गुड्डू लुटेरे पर हमला करके उनकी बंदूक छीन लेता है। बचाओ रे, ये एलियन है, भागो नहीं तो ये सबको मार डालेगा। गांव वाले घर में छिपकर ये सब देख रहे होते हैं और जब लुटेरे भाग जाते हैं तो वो अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं। आज तो तुमने कमाल कर दिया, अगर तुम नहीं होते तो हम लोगों का घर लूट गया होता। गांव में गुड्डू की खूब प्रशंसा होती है। एक रात अचानक राजू की नींद खुल गई। उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो गुड्डू अपनी जगह पर नहीं था। कहाँ गया ये? राजू कमरे से बाहर निकलकर देखता है तो उसे एलियन जाते हुए दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है, तभी उसे एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। उससे एक एलियन निकलता है और गुड्डू उससे बात करता है। तुमने अब तक क्या काम किया? गांव के सभी लोगों के दिमाग का एक्सरे कर लिया है, खून के नमूने भी ले लिए हैं।
ये रही इसकी रिपोर्ट। बहुत अच्छा, अब जल्दी से योजना तैयार करो जिससे हम पूरे गांव के लोगों को एलियन में बदल दें। ठीक है। बहुत अच्छा, लेकिन किसी को हमारी योजना के बारे में नहीं पता लगना चाहिए। इस तरह हम पूरे ग्रह पर अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक है, आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है। राजू उनकी सारी बात छुपकर सुन लेता है। राजू घबराया हुआ अपने दोस्तों से बात करता है। यार, एलियन को गांव में लाकर हमने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। क्या किया उसने? राजू अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताता है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा खतरा है। ये तो बहुत डरावनी बात है। अगर ऐसा हुआ तो इंसान खतरे में पड़ जाएगा। हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए। नहीं, अगर ये बात फैल गई तो पूरे गांव के लोग परेशान हो जाएंगे और हमारे पास इतना भी समय नहीं है। हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, उस पर तो गोली का भी असर नहीं होता है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक चिट्ठी लिखकर हम सरकार को इसकी जानकारी दे देते हैं। हाँ, सरकार के पास बहुत साधन होते हैं, उसे पकड़ कर ली जाएगी। राजू एक पत्र सरकार को लिखता है। अब बस जरूरत है कि सरकार हमारी समस्याओं पर जल्दी से गौर करे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सरकार की ओर से पत्र आता है। सरकार की ओर से जवाब आ गया, लेकिन इसमें क्या लिखा है इसे जरा पढ़ता हूँ। सरकार की ओर से एक टीम कल गांव पहुँचेगी। आप लोगों से एलियंस को पकड़वाने में मदद करने की उपेक्षा की जाती है। हाँ, अब हम लोग राहत की सांस ले सकते हैं। हाँ। राजू और उसके दोस्त सरकारी टीम के आने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन रात हो जाती है और टीम नहीं पहुंचती है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें सरकारी टीम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और उसे खत्म करने के लिए खुद से योजना बनानी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसे तो गोली से भी कुछ नहीं होता है। गुड्डू की एक कमजोरी है और वो है आग। हाँ, वो केवल आग से डरता है। आज रात जब वो सो रहा होगा, हम उसके कमरे में आग लगाकर उसे जला देंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। राजू और उसके दोस्त केरोसिन तेल से भरे डिब्बे इकट्ठा करते हैं। हमने उसे जलाने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? कुछ देर पहले मैंने उसे तालाब के पास देखा था। आज शाम से ही वो घर से बाहर है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। राजू, सनी और विनीता घर से बाहर जाते हैं और गुड्डू को ढूंढने लगते हैं। तभी वो लोग सुनसान जगह पर एक अंतरिक्षयान को आसमान से नीचे उतरता देखते हैं। अरे वो देखो, अंतरिक्षयान! हाँ, वो गुड्डू के कहने पर आया होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अंतरिक्षयान से एक एलियन बाहर निकलता है। तभी गुड्डू भी वहाँ पहुँचता है। देखो, गुड्डू उससे बात कर रहा है। हमें उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। इससे पहले कि वो गांव वालों को एलियंस में बदले, हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया तो? हमें मानव जाति को बचाने के लिए इतना खतरा उठाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग उस पर नजर रखो, मैं गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ। राजू गांव वालों के साथ मशाल लेकर आता है और एलियन पर हमला करने के लिए उसकी और सभी दौड़ने लगते हैं। एलियन हमारे दोस्त नहीं, दुश्मन है, उन्हें मारो, एलियंस को खत्म कर दो। गुड्डू और एलियन गांव वालों को अपनी ओर आता देख अंतरिक्षयान में बैठ जाते हैं और अंतरिक्षयान के साथ उड़ जाते हैं। चलो, अच्छा हुआ ये पृथ्वी छोड़कर भाग गए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।